आज जो है आज हमारा ब्लॉग आ चुका है। टाइटल में और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे किस चीज़ से आज हमारा ब्लॉग बनने वाला है। तो फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, ईद की शॉपिंग के लिए आज हमारा ब्लॉग बनने वाला है। तो मैंने क्या क्या खरीदा है, क्या क्या नहीं, मैं आज सभी को बताने वाला हूँ। तो माशाल्लाह से आज 28वां रोज़ा है और माशाल्लाह मेरे पूरे रोज़े चल रहे हैं, शायद आपके भी चल रहे होंगे। नहीं रह रहे हैं तो फिर भी रहने की कोशिश कीजिए, इरादा कर लीजिए रोज़े रहने का। सो अभी दो दिन में जो है फिलहाल ईद आने वाली है, उसके ऊपर भी एक ब्लॉग होगा। ये वाला ब्लॉग जो है काफ़ी दिनों के बाद बन रहा है मेरा ईद की शॉपिंग के लिए। सो दो साल जो है लॉकडाउन के मैं बहुत मुसीबत से निकाली, ये साल जो है पूरी कसर निकालना है ईद की शॉपिंग के लिए। जितना हो सके आपकी शॉपिंग करो और जो नहीं कर सकते उनको मदद कर दो, उनकी भी शॉपिंग होती है, उनकी भी जो है ईद अच्छी होती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा मैं क्या क्या लिया, क्या क्या नहीं ईद के लिए। तो चलिए नीचे चलकर हम बात करते हैं। ये जो है भाई ये मेरा एक छोटा एक महल है, ये छोटा सा रूम है मेरा। सो चलिए वीडियो को जल्द से जल्द आगे बढ़ाते हैं। अभी जो है मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा जो कि मैंने टिकट तो मैं ख़रीदा नहीं है। एक मेरा दोस्त जो कि चरिता दोस्त है अपना, जो फिलहाल उमरा में है, उसने मुझे गिफ्ट किया था लास्ट मंथ। तो वो आपको मैं बताता हूँ। तो ये जुबा जो जिन्होंने मेरे सही तरीके से जो गिफ्ट किया था वो ये जुबा है, तो मैं वो इसको यही पहनने वाला हूँ मैं। और एक चीज़ जो है मैंने खरीदी है इसके ऊपर वो आपको मैं बता दूँ, ये जो है ये महरुमा ये जुबे के ऊपर डालने के लिए मैंने खरीदा है। तो इसे ऐसे डाला जाता है, डालते हैं। और इसके ऊपर और एक चीज़ है जो भी है, फिलहाल तो ऐसे मुझे कमी नहीं आ रहा है, ये कैसे दिख रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक चीज़ और एक जोड़ा मैंने लिया है जो मैं आपको बता दूँ, तो अभी आपको दूसरा जोड़ा मैं आपको बता देगा। तो दूसरी ईद के लिए मैंने एक शर्ट एक पैंट खरीदी है और भी एक पैंट खरीदी है, तो आपको अभी मैं बताता हूँ। ये रही वो मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम जो है मैं चेक टी शर्ट पहनने वाला हूँ, काफ़ी बार बड़ा हूँ देखता नहीं हूँ, कलर कलर टी शर्ट पहनते रहता हूँ आज। तो मैंने सोचा कि नाम ये चेक टी शर्ट ले जाए, ईद के दूसरी ईद के लिए मैंने खरीदा है। और पैंट है इसके ऊपर जो आपको बता रहा हूँ, और ये पैंट है जो मैंने खरीदा है ईद के लिए, सेकेंड ईद के लिए। और भी जो है मैंने जूते के ऊपर पहनने के लिए एक चप्पल दो चप्पलें खरीदी है, नॉर्मल एक जूते के ऊपर पहनने के लिए खरीदी है, जबकि आपको मैं बता रहा हूँ ये चप्पल जो है मैंने जूते के ऊपर पहनने के लिए खरीदी है, कैसी दिख रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता रहा हूँ। तो और एक चप्पल है जो मैंने नॉर्मल यूज़ के लिए लिया है वो तो आपको बताता हूँ। ये चप्पल जो है मैंने नॉर्मल यूज़ के लिए पहनने के लिए लिए, नॉर्मल ड्रेस में पहनने के लिए लिए। तो ये सब कैसा दिख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी तो एक ही शॉपिंग हो चुकी है, जितना भी आपने वीडियो देखा तो उतनी थी बस शॉपिंग मेरी हो चुकी है। इंशाल्लाह आपकी भी शॉपिंग हो चुकी होगी। बस दो दिन में जो है ईद आने वाली है, रमज़ान कहाँ आया कहाँ गया पता ही नहीं चला, और हमें इबादत करने का मौका ही नहीं मिला। जितनी भी हमें रोज़े रखे और दुआएं की नमाज़ें पढ़ी, जो भी हमने इबादत की अल्लाह उससे कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो जो है आती रहेंगी। इंशाल्लाह ईद का भी एक वीडियो होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।